जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि। आप सभी का स्वागत है रविनंदन BBS चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे दो सदिशों का अदिश बिंदु गुणनफल। ओके, दो सदिश दिया गया है तो उसका बीच का कोण कैसे निकाला जाता है, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इस बीच वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे बाई एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, दो सदस्यों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, बीच का कोण। पहले मान लेते हैं दो सदस्य क्या हैं, सपोज क्या कर लेते हैं, ए ए वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, अब बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप ये दिया है। पूछ क्या रहा है, दो सदिशों के बीच का कोण है, तो बीच का कोण क्या होता है, दो सदिशों का बीच का कोण इक्वल टू होता है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मार्ड, ये होता है दो बिंदुओं के बीच का कोण। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए और वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। ठीक, तो पहले देखिए क्या निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो एक वैल्यू कितना है, 2i प्लस 3j ओके प्लस 4k कैप। अभी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 4j माइनस 4k कैप। ओके, अब इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई के साथ 2 × 2 = 4 प्लस 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 3 × 4 = 12 प्लस माइनस माइनस 4 × 4 = 16 कितना निकल गया है, 12 × 4 = 16 सोलह में 16 = 0 ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए। ओके, तो वेक्टर ए का वैल्यू कैसे निकलेगी, वेक्टर ए, वेक्टर ए का वैल्यू मतलब स्क्वायर, एक क्या है वैल्यू देखिए, यहाँ एक क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इनसे i और j k कोफिशियंट का वर्ग होता है। ठीक है, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, तब इसे सॉल्व करिए, 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 16 × 4 = 25 9 = 29 √29 निकलेगा, किसका निकलिए है, मॉड ए का। ठीक है, तो मॉड इसे बिग मॉडल इसी मॉडल निकाल लेते हैं, अंडर रूट में ए का स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा, 2 है, देखिए यहाँ 2 है, 4 से 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग। ओके, इसे हल करेंगे, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4 का वर्ग 16, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 16 32 32 4 36 अंडर रूट 36 हो जाएगा। ओके, तो मॉड बी का कितना निकला, अंडर रूट 36। ओके, अंडर रूट 36 निकला, तो अंडर रूट 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मॉड बी का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखते हैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, दो बीच का कोण इक्वल टू ए डॉट वी डॉट अपान में मॉड में ए मॉड में बी। ओके, तो हम वैल्यू निकाले हैं, देखिए ए डॉट बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 0 निकाले हैं, मॉड ए का वैल्यू निकाले हैं अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट बी को निकाले हैं 6। ठीक है, तो इसमें देखिए अब क्या निकाले हैं, 0 अपान इतना आ गया, किसी संख्या में 0 से भागेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ गई। ओके, अब कौन क्या निकालेंगे, देखिए कॉस थीटा 0 किसके वंश वैल्यू होती है, 90 डिग्री के, तो कॉस थीटा इक्वल टू, तो इसके स्थान का लिख देंगे कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका कोण निकल आया। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5, दो सदिश ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है, बी वेक्टर को इतना दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, बीच का कोण इतना, तो पहले क्या दिया है लिख लीजिए। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, पहले देखते हैं, सिद्ध कीजिए उनके बीच का कोण, बीच का कोण सिद्ध करना है 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले देखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ओके, बी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, 3i माइनस 2j प्लस k। ओके, तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, बीच का कोण खातिर क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपान में ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड। ओके,
और इसका क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर 60, हम तो यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 60 आंसर आना चाहिए हल करने पर। तो हम ए डॉट भी निकालते हैं, पहले ए वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस यहाँ जे का क्या है कोएफिशिएंट 1, तो 1 का वर्ग प्लस के का कोएफिशिएंट 3, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 प्लस 9, तो इक्वल टू 9 एक 10, 10 4 14, अंडर रूट कितना आ जाएगा 14, माड इक्वल टू, ठीक है, माड इक्वल टू 14 निकल गया। चलिए अब इसी प्रकार बी का माड निकाल लेते हैं। बी इक्वल टू माड में कितना हो जाएगा, अब बी का मतलब देखिए 3 का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का, तो 3 का वर्ग प्लस जे का क्या है माइनस 2, माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ओके कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और 2 का माइनस 2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 9 एक 10 10 4 14, अंडर रूट 14 निकल गया है किसका, बी मॉड का, ओके। तो हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू निकालिए क्या है, एक वैल्यू कितनी है 2i प्लस जे प्लस 3k, अभी का वैल्यू दिया है 3i माइनस 2j प्लस के, ओके मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का आई आई के कोफिशियंट के साथ, ठीक है, तो 2 तीन 6 प्लस माइनस माइनस जे का कोफिशियंट 1 यहाँ 2, तो 1 माइनस 2 का 2, अब प्लस 3 प्लस 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 3 करना 3 कितना हो जाएगा 6 में से 2 के 4, 4 3 7 वेक्टर ए इंटू डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना निकले 7। तब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा बराबर दिया कितना आना चाहिए 60 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, हल करें इसका। तो हल करते हैं इसका, कॉस थीटा इक्वल टू कितना है ए डॉट बी, ए डॉट बी का वैल्यू कितना निकाले 7, ओके फार्मूला इसी पर रखेंगे इसी पर, ठीक है। अपन माड में ए का, माड में ए का कितना है 14 अंडर रूट में, ओके इंटू अभी का क्या है वो भी है अंडर रूट में 14, कितना हो जाएगा 7 अपन अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 14 हो जाएगा, ठीक, अंडर अंडर मल्टीप्लाई एक जैसे 2 रहता है थड़ जाता है अंडर रूट, ठीक, एक ही बचता है 7 के अनुसार 7 दूनी 14 इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। अब देखिए कॉस थीटा वैल्यू वहाँ दिया है 60 डिग्री, 1/2 किसका होता है वो भी कॉस थीटा डिग्री बराबर कॉस 60 अंक वैल्यू होता है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए है तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा वैल्यू पहले से ही दिया है 60 डिग्री, ओके ये प्रूव करना है, तो 1/2 से कॉस में कितना होगा कॉस 60 डिग्री, ओके तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है कॉस 60 डिग्री, तो ये भी कॉस थीटा वैल्यू कितना दिया, दिया 60, तो कॉस कार्ड कर दिया तो 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, यदि माड में ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू माड में ए माइनस बी का ए कैप माइनस बी कैप, तब दिखाइए, दिखाइए मतलब सिद्ध करिए कि सदिश ए तथा बी लंबवत है, मतलब लंबवत मतलब सभी और बी जब लंबवत होते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0, ये क्या यही सिद्ध करना है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। किसके अनुसार, जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है देखिए, ए कैप प्लस बी कैप का माड इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप, ओके इसे प्रूव करना क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इस प्रकार के हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप माड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे हम तोड़ते हैं क्या हो जाएगा, देखिए इस मॉडल को आप क्या लिख सकते हैं, ए कैप प्लस बी कैप, ओके एक क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा इक्वल टू ए भी हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए मल्टीप्लाई करिए इनका, ए का एक एक के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर का कैप, ठीक है, ए बी कैप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना प्लस ए कैप बी कैप, अब इसे बी से ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी कैप ए कैप, अब प्लस बी करेंगे बी स्क्वायर कैप हो जाएगा, इसे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का कैप माइनस करेंगे तो ए कैप बी कैप और माइनस बी कैप ए कैप माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर कैप, इस मॉडल लिख सकते हैं कि कहीं से ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस प्रकार में नहीं लिखते हैं तोड़ते हैं उसी प्रकार लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे ए जैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, क्या लिख दे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर का कैप हाँ प्लस बी स्क्वायर का कैप, ए बी प्लस बी ए कैप में वो चल जाता है, चाहे बी ए हो चाहिए मगर वेक्टर में नहीं चलता है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस टू ए कैप बी कैप इक्वल टू ए भी हो जाएगा ए स्क्वायर कैप
प्लस बी स्क्वायर का एफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस टू ए का एफ बी का एफ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों कट गए, ए प्लस टू ए बी इधर में माइनस टू ए इधर आए तो कितना आ जाएगा टू आर टू फोर, फोर ए का एफ बी का एफ इक्वल टू क्या बचा जीरो हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए ए का एफ बी का एफ इक्वल टू, अब चार उधर भाग देंगे जीरो हो जाएगा, तब क्या हम कह सकते हैं ए का एफ है। ठीक है, तब जब जीरो आ गया तो लंबवत हो गया, मतलब ए का एफ लंबवत है बी का एफ, ये प्रूफ।